हमने कहा था घर में नहीं लाओ। वो लड़की नागे मार डालेगी। साथ चाहिए मार। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव। दादी ठीक है ना? दादी ठीक है, ठीक लग रही है तुम्हें दादी? तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो गया शक्ति? तुम तो घर पर थी ना सबके साथ, फिर दादी सीढ़ियों से कैसे गिर गई? किसी ने उनका ध्यान क्यों नहीं दिया? इतने सारे लोग घर पर थे लेकिन किसी ने दादी का ध्यान नहीं दिया, वो गिर गई सीढ़ियों से। डॉक्टर शिव मुझे कुछ नहीं सुनना है शक्ति। डॉक्टर शिव प्लीज। तुम लोगों के शरीर में जहर तो मैं बाद में घोलूंगी, पर तुम्हारे रिश्तों में जहर घोलना तो मैंने शुरू कर दिया है। लोग तो कहते थे कि शिव शक्ति का नाम एक साथ लिया जाता है, वो तो एक ही है, तो फिर उन्हें कोई कैसे अलग कर सकता है? पर यहां तो लगता है कि ये काम काफी आसान था। देख रिमझिम। क्या देखूं? देख ही तो रही हूं। पापा ने इतने प्यार से आपको बाइक लेके दी, आपने 60,000 की मांगी थी, उन्होंने 1.25 लाख की दी, पर आपने क्या किया? बेचने से पहले एक भी बार उनसे पूछा तक नहीं। आपको पता है ना कि पापा पैदल जाते थे, लेकिन आपको उन्होंने पाई पाई इकट्ठा करके आपको बाइक लिखी थी, और एक भी बार आपने उनकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, एक भी बार ये नहीं सोचा कि उन्होंने कैसे कैसे करके आपको बाइक लेके दी होगी। बस वाइफ ने मांगे रख दी और आपने झट से अपनी बाइक बेच दी। सब देख रही हूं मैं। रिमझिम बेटा समझ, कोयल उसकी पत्नी है। उसकी पत्नी की हर मांग पूरी करना एक पति के नाते धर्म का कर्तव्य है। मांगे? कल को जाके उसकी मांगों के लिए पूरा घर बेचना पड़े तो बेच दे। बताओ, कोयल के लिए हम सब तो एडजस्ट कर ही रहे ना, उसको खुश रखने की पूरी कोशिश तो हम कर ही रहे ना, फिर थोड़ी बहुत कोशिश वो नहीं कर सकती है? थोड़ा बहुत एडजस्ट वो कर सकती है ना? देखो भैया, शादी की बात ना एक लड़के को बैलेंस बनाना पड़ता है, उस बैलेंस का ये मतलब नहीं होता है कि माँ बाप को भूल जाओ और सारी अटेंशन अपनी बीवी को दो। और जब ये लड़का कोई बैलेंस नहीं बना पाता है ना, तभी घर टूटते हैं। भैया ये सब आप वापस लेके जाइए, हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। और धर्म पे आप बोलिए इन्हें, ये सब कुछ सामान वापस लेके जाएंगे और आप अपनी बाइक वापस लाएंगे। धर्म भैया हम आपसे बात कर रहे हैं, सुना नहीं आपने? हम जैसा बोल रहे हैं वैसा कीजिए, ये सब कुछ सामान वापस भेजिए और अपनी बाइक वापस ले आइए अभी के अभी। रुकिए, मुझे तुम पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैं जानता हूं शक्ति, तुम्हें भी उतना ही दुख आ रहा है जितना मुझे हो रहा है। तुम भी दादी से उतना ही प्यार करती हो जितना मैं करता हूं, लेकिन मैं भी डर गया हूं शक्ति।
दादी की ऐसी हालत देखकर मैं डर गया। आखिर अगर उन्हें कुछ हो गया तो? नहीं, दादी को कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब। अरे इंडिया के बेस्ट न्यूरोसर्जन ने उनका इलाज किया, उन्हें कैसे कुछ होगा? उनका पूरा परिवार उनके साथ है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा उन्हें। मेरे हस्बैंड पे ऑर्डर चलाने वाली, ये डिसाइड करने वाली कि इस घर में क्या होगा, क्या आएगा और क्या वापस जाएगा, और तुम कौन होती हो हमसे ये पूछने वाली कि हम कौन है? जानती नहीं हो कि हम धर्म भैया की बहन है? मैं उसकी वाइफ हूं। तो क्या वाइफ के रिश्ते के सामने बाकी और रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं होती? होती है ना, पर वाइफ के रिश्ते से कई कम। पर शायद आपको ये बात समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप हस्बैंड का रिश्ता छोड़ जो आएंगे। गोयल चिल्लाइए मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। और हाँ, ये मेरा घर आपका नहीं, आप तो अपना घर छोड़ रहे हैं। गोयल ये क्या बोल रही है बेटा? गोयल जी ये क्या बात हुई? रिम जी हमारी बहन है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं उसके बारे में? नहीं बोले दो इसे, हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि आप मुझसे जेलस हो क्योंकि मैं आपसे ज्यादा सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर हूं और आपसे कई ज्यादा मेरे फॉलोवर्स हैं और अब प्यार में भी आपसे ज्यादा सक्सेसफुल, पर आप फेल हो गए एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ वाइफ। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि आपकी शादी तो टिकी नहीं, इसलिए आप मेरी शादी भी बर्बाद करना चाहते हैं। और मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि आप सैड हैं, लोनली हैं, अकेली हैं और आपको लगता है कि आप पूरी लाइफ ऐसे ही रहने वाली है, इसलिए आप दूसरों की लाइफ भी अपनी तरह बनाना चाहती हैं। और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे घर वालों ने तो आपको निकाल दिया, आपको रिटर्न कर दिया, इसलिए आप मेरा सामान भी रिटर्न करना चाहती हैं। यू नो, जब सामान डिफेक्टिव हो जाता है ना तो उसे रिटर्न कर देते हैं। शायद आप में कोई इश्यूज होगा पर इस सामान में कोई इश्यूज नहीं है। कोई How dare you? ये गलती करने की कोशिश दोबारा की ना तो हाथ तोड़ दूंगी। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस घर में जाने के तुम सपने देखती थी मैं उसी घर से आई हूं। तुम्हारा ये एटीट्यूड चुटकियों में खत्म कर सकती हूं। Got it? डॉक्टर शिव प्लीज अब रोना बंद कर दीजिए।
सर मैं स्क्रब नर्स हूँ, कल ही ज्वाइन किया है। शक्ति एक मिनट। क्या हुआ? हॉस्पिटल में एक नर्स है जिसे मुझे फायर करना है। एक मिनट। डॉक्टर साहब। नर्स रुको। सुनो रुको। नर्स रुको। नर्स सुनो रुको रुको। नर्स दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दरवाजा खोलो। नर्स ना मेरी बच्ची, ना ना पता है ना, वो गुस्से में थी तो गुस्से में कुछ भी अनापसना बक गई। वो जिसने कहा ना, उसका कहने का वो मतलब नहीं था। सच नहीं माँ, उसने चाहे जो कुछ भी बोला हो तो सची ना, बिल्कुल सच नहीं था। देख, मैंने तुझे पहले भी कहा है ना कि उनके घर और हमारे घर में बहुत अंतर है, उनके तौर तरीके में बहुत अंतर है। उनके घर में ऐसी बातें ऐसे बोल देते होंगे, पर वो भूल गई थी कि ये घर उसके लिए पराया है। इस घर में इस तरह बातें नहीं करते, समझे ना? पराई वो नहीं, पराए तो हम है। बांद्री, ये क्या कहा तूने? हाँ, अगर ये घर तेरा नहीं तो किसका है पता? आपके बहू का। अरे अभी तो मैंने स्क्रब नर्स को अंदर आते हुए देखा था, कहाँ चली गई? कैसे हो सकता है? डॉक्टर शिव, अब यहां हम आप ही को ढूंढ रहे थे, आप किस नर्स से बात कर रहे थे? मैं बताऊंगा उसके बारे में तुम्हें। दादी के ऑपरेशन के पहले उस नर्स ने मुझे कंफ्यूज कर दिया था। दादी का ऑपरेशन भी अफेक्ट हो सकता था। क्या? फिर तो आपको सच में उस नर्स को फायर कर देना चाहिए। हाँ शक्ति, मैं उससे बात करने इसी कमरे में आया था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो वो यहाँ नहीं थी। यहाँ एक दरवाजा है, सारे विंडोज बंद है, वो गई तो गई कहाँ? मैं उसके पीछे पीछे यहीं तो आया था, कहाँ गई वो?
शक्ति चलो मेरे साथ। सुनो आज मेरी स्क्रबिंग नर्स कौन थी? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? मतलब सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, आज जिस नर्स ने मेरी स्क्रबिंग करवाई थी उसका नाम क्या है? सर आज तो आपकी स्क्रबिंग आपने खुद ने की है और आपकी रेगुलर स्क्रबिंग नर्स तो ओटी में थी। What nonsense! वो नर्स ओटी में रेडी होकर आई तो थी और अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे स्टोर रूम में जाते हुए देखा था। नहीं सर, मेरे पास तो पूरी स्टाफ की लिस्ट है और आपकी स्क्रबिंग किसी ने भी नहीं की। मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ। देखिए डॉक्टर शिव, हम ये सब बाद में देख लेंगे, लेकिन इस वक्त आपको दादी के पास जाना चाहिए। दादी को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत एक डॉक्टर की है, लेकिन अपने पोते की भी, साथ में अपने BFF की भी और अपने सुपर हीरो की भी। शायद तुम सही कह रहे हो शक्ति, ये सब तो बाद में भी हो सकता है, इस वक्त मुझे दादी के साथ रहना चाहिए। चलो नर्स, वो हम बाद में चेक कर लेंगे। थैंक यू। थैंक यू। ओके सर। हद सच में कलयुग हो गया। आज तक नाग शिव के पीछे जाते थे, आज शिव एक नागिन के पीछे आ गया। एक मिनट के लिए मुझे ऐसे लगा कि मेरा सच सबके सामने आ जाएगा। पर इतनी भी क्या जल्दी है शिव, अभी अभी तो तुम्हारा रक्षा धागा निकला है। अभी मेरा हक और मकसद तो पूरा होने दो, फिर जल्द ही मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा दूँ। चेहरा नहीं, अपना फन भी दिखा दूंगी। और वो बुढ़िया जो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, एक झटके में उसका राम नाम सत्य हो जाएगा और बाकी सबके साथ भी यही होगा। जो जो मेरे और कुंदन के बीच में आएगा उन सब के साथ यही होगा। सात पूर्णमासी और मेरा कुंदन मेरे पास होगा। मोहिनी, अपने प्रेम में अंधी होकर अपने असली कर्तव्य को मत भूल जाना, वो कर्तव्य जिसके लिए आपको नागलोक से इस धरती पर भेजा गया था। तुम किस कर्तव्य की बात कर रहे हो? किस कर्तव्य की बात कर रहे हो तुम? नागमणि, नागलोक से तुम्हें इस धरती पर नागमणि की सुरक्षा के लिए भेजा गया था, जो 25 साल पहले तुमसे छिन गई थी। लेकिन बदले की आग में कुंदन को पाने की चाह में तुम इतनी अंधी हो गई कि अपने असली मकसद को ही भूल गई। और अगर कोई है जिसे इस नागमणि के बारे में सब कुछ पता है तो वो भगवती है। और तुमने उसे ही मारने की कोशिश की। नहीं, नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे वो नागमणि वापस चाहिए, वो बुढ़िया नहीं मर सकती। और एक बार आपको आगाह करना चाहता हूं, आपकी ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। मतलब? शक्ति, आपकी प्रेम कहानी के बीच, आपकी उस नागमणि तक पहुंचने के बीच और आपकी उस शिव तक पहुंचने के बीच में एक शक्ति खड़ी है जिसका नाम शक्ति है। सतयुग में सावित्री थी और कलयुग में ये शक्ति। नागों का काम तो शिव शक्ति की सेवा करना होता है ना, और हम काशी में शिव की नगरी में ही शिव शक्ति से लड़ने की गलती कर रहे हैं।
कहीं नाग धर्म के विपरीत तो नहीं? चुप! ये मत भूल कि तू एक आम नाग से नहीं, इच्छाधारी नागिन मोहिनी से बात कर रहे। हम पर भी शिव भगवान का आशीर्वाद है। भूलो मत मोहिनी, जिस शिव भगवान के आशीर्वाद पे तुम इतना इतरा रही हो ना, वो शिव भी शक्ति के बिना कुछ नहीं है। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो ठीक है, इस शिव और शक्ति को अलग होना पड़ेगा। इस शिव को शव बनना पड़ेगा। और अब मोहिनी जीतेगी, उसे जो चाहिए वो उसे सब मिलेगा, नागमणि भी, उसका बदला भी और कुंदन भी। अब चाहे उसके रास्ते में जो भी आ जाए, शक्ति, महाशक्ति या फिर आदि शक्ति, अब तक तो शिव और शक्ति का अध्याय प्रेम से लिखा गया था, लेकिन अब शक्ति का अध्याय जहर से लिखा जाएगा।